फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है लड़कियां क्यूट कैसे दिखे। अगर आपकी भी है यही इच्छा चाहत, तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है और वीडियो में शुरू से तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात कर लूँ कि मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम, दीदी, लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतना काम है कि ऐसे में हम क्यूट कैसे दिखें, सुंदर कैसे दिखें, समझ में ही नहीं आता है काम करें या क्यूट दिखें। तो ऐसे में मैं बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, करियर को लेके है, स्टडी को लेके है, या बहुत सारी बातें होती हैं और हम लाइफ को कैसे जिए, खुशी से कैसे जिए भूल ही जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, अपने करियर को लेके स्ट्रेस में हो या मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल वाली लाइफ है, फिर भी आप अपने आप को खुश कैसे रखो, क्यूट कैसे दिखो, जिससे कि आपका जो समय है उसे आप इंजॉय कर सको। क्योंकि ये जो जवानी के 4 दिन है ना, वो बार बार नहीं आते हैं, जीने के 4 दिन इस अवस्था में, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो इसमें आपको क्यूट भी दिखना चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए, आपका हक है। वैसे भी कहा जाता है खूबसूरती पे हक होता है लड़कियों का, तो फिर अपना हक भी आप ले ही लो। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉजिटिव। हाँ, अपनी सोच अपने लिए अच्छा रखो। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अच्छे से रखती नहीं है। कहने का मतलब है ए शिवानी तू लगती है नानी। तो आपको ऐसा नहीं लगना है कि आपके लिए कोई ये गाना गाए, आपको ऐसा लगना है जिस एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, आपके लिए कोई ऐसा गाना गाए। तो सिंपल रह के भी आपको क्यूट दिखना है, तो अपने लिए आप अच्छा सोचें। आपकी शक्ल ईश्वर ने जैसी भी दी है, अगर आपकी मोटी नाक है तो आप क्या कर सकते हो भाई, सर्जरी कराना है? नहीं नहीं नहीं, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोटी नाक के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कर लो और उसमें भी आप सुंदर दिखते हो। तो अपना माइंड को आप पॉजिटिव कर लो, तो आप ऑटोमेटिक सुंदर दिखने लगोगे। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, अच्छा सोचते हैं तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है और हम सुंदर दिखने लगते हैं। और अगर हम अब खुद को ही अच्छा ना समझें, सांस तो आप उसी नाक से ले रहे हो ना, तो ऐसे में फिर आप खूबसूरत कैसे दिखोगे? तो अंदर से एक अजीब सी खुशी होनी चाहिए जीवन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड टिप्स है शर्मीली बने। सर में हया भी एक अदा होती है और लड़कियाँ तो इसके लिए फेमस होती है। तो अगर आप शर्मीली हैं, तो अगर नहीं भी हैं तो शर्माना, थोड़ा सा शर्मीली बन जाना चाहिए। मतलब शर्माते हुए हंसना या शर्माते हुए भाग जाना, ये सारी चीज़ें बॉयज़ को बहुत पसंद है और किसी को भी अच्छा लगता है लड़कियां शर्माती हैं। तो आप में थोड़ी सी शर्म भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो स्टार्ट कर लीजिए, एक्टिंग करने में भी क्या जाता है। क्योंकि इससे अगर आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं या कोई आपको अच्छा बोलता है, क्यूट दिखते हो, तो अच्छी बात है। तीसरी बात है, टिप्स है फ्रेंडली बने। हाँ, आपको ऐसा होना चाहिए ना कि कोई भी आपसे मिले तो आपका दोस्त बन जाए और आपसे उसे मिलने का मन करे बार बार, ठीक है? तो ऐसा आप फ्रेंडली बन सकते हैं, ऐसा अपना व्यवहार बनाए कि हर कोई आपका दोस्त बनना चाहे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप सबका सुनना स्टार्ट करो। क्योंकि आजकल ना लोग अपना दुखरा सुनाने के लिए बेताब रहते हैं, या मैं पहले। तो जो अच्छा श्रोता होता है ना, वक्ता होना भी ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा चुप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई भी कुछ भी सुना के चला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं बनना, बोलना है जहाँ ज़रूरी है, लेकिन आपको चुप रह के लोगों की बात, अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे श्रोता होते हैं ना, उनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं। और क्योंकि आप किसी के दुख दर्द को बांटते हो, सुनते हो, पेशेंस है आपके पास, और बोलना भी ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छा बोलते हो और सुनते भी हो, तो आप अच्छे दोस्त बन सकते हो। तो ये क्वालिटी अपने अंदर आप डेवलप करो अगर क्यूट बनना है तो। पॉइंट्स लुक्स को लेके हैं, अपने बाल, हेयर स्टाइल, क्यूट वाले हेयर स्टाइल रखो। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इतने सारे सीरियल देखते हो, तो दादी अम्मा का लुक कैसा होता है, एक यंग लड़की ही दादी अम्मा का लुक उस लुक में आ जाती है। तो आपको ही देखना है शिवानी तू लगती है नानी, तो नानी वाला लुक चश्मा पहन के बीच मांग, तो आपको अपना लुक क्यूट वाला रखना है फेस। उसके लिए आपको हेयर स्टाइल क्यूट वाला होना चाहिए और फेस क्यूट रखें। तो आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं कि क्यूट फेस कैसा होता है, आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हेयर स्टाइल
कौन सी आप पे अच्छी लगेगी, ये आप खुद सर्च करो, खुद भी कुछ काम कर लिया करो। मैं कितना बताऊँ, ये पॉइंट से क्यूट हाव भाव कहने का मतलब है ना कि आपको देख के लगना चाहिए वाह क्या क्यूट लड़की है, मतलब प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए और चेहरे पे मासूमियत होनी चाहिए और इतना शरीफ सराफत वाली एक मोमबत्ती की तरह की कितनी शरीफ लड़की है, तो इस तरह से आपको होना चाहिए। तो ये क्यूट हाव भाव कैसे अपने अंदर डेवलप करें ये आप सीख सकती हैं, या आप क्यूट हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर होगा ही, मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरह से प्रोफेशनल रहो, वहाँ पे आपको सही डिसीजन लेना है, थोड़ा सा सख्त भी रहना है। लेकिन अगर घर में आप रहती हो, अपने जो पेट एनिमल हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलना, या आपके हम उम्र जो दोस्त हैं सहेलियाँ हैं उनके साथ खेलना, हंसना मुस्कुराना और क्यूट वाली हरकतें करना, ये आप कर सकते हो, जीना इसी का नाम है। तो यही होते हैं क्यूट हाव भाव। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी का अटेंशन पाने के लिए, कि आपकी ओर कोई देखे आपको भाव दे, तो इसके लिए आपको दिखावा नहीं करना, आप जेन्युइन हो तो जेन्युइन ही रहना है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है या आवाज़ ऐसे नहीं करनी, जैसे आपकी ऑटोमेटिक वैसी आवाज़ नहीं है क्यूट वाली, लेकिन आप कोशिश करते हो, जो लोग समझ जाते हैं कि ये ओवर दिखा रही है अपने आप को, तो इस तरह आपका क्यूट तो छोड़िए, आप ऐसे भी नॉर्मल जो आपका होता है ना एक नॉर्मल लड़की साधारण लड़की वो भी आप नहीं बन सकती हो। तो इसमें आपको जैसी हो वैसी रहो और उसमें आपका ओरिजिनल जो क्यूटनेस है ना वो दिखना चाहिए। पॉइंट से कि सेहतमंद बनो, कहने का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, हेल्थ पर फोकस करो, क्योंकि एक के हेल्दी लड़की ही क्यूट बन सकती है, क्यूट दिख सकती है। तो हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, नॉर्मल वाली पुशअप भी कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, और वो अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी रखनी है, नीट एंड क्लीन पहनना है, आयरन करके पहनना है, प्रेस किया हुआ कपड़े पहनने हैं आपको, और क्लीन हर चीज़ मतलब आपको प्रॉपर ध्यान देना, नेल भी आपके कटे होना चाहिए या आप जैसे भी रखते हो कलर अच्छे से करके रखना है, और नहीं तो आप सिंपल भी रह सकते हो नेल कट करके, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे रखना चाहते हो। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, चेहरे को क्लीन रखना है और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, प्रतिदिन स्नान करना है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो बिजी भी रहती हैं या जिन्हें ठंड में स्नान करना पसंद नहीं है, तो आपको ठंडे पानी से तो नहाना चाहिए, तो गर्म पानी से भी आप नहा सकते हो, मतलब प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो बहुत साधारण होती हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। टिप्स बहुत डिफरेंट और यूनिक है कि आपको आपकी चाल में नज़ाकत होनी चाहिए या प्रैक्टिस कैट वॉक, मतलब कि आप ऐसा चलो ना कि लगे कि हाँ कोई मॉडल चल रही है या आपका स्टैंडर्ड हाई हो, तो अपनी चाल में आपको वो नज़ाकत लानी चाहिए, कॉन्फिडेंस वाली आप की चाल में झलक होनी चाहिए, आत्मविश्वास झलकना चाहिए, बहुत ज़्यादा झुक के नहीं चलना है और बहुत ज़्यादा सीधे या बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी नहीं चलना है, नॉर्मल अपना चलना है और बहुत धीरे धीरे भी नहीं चलना है, जिससे कि लगे कि इसमें तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब आपको आराम से चलना है। तो इस तरह से आपकी चाल में नज़ाकत होनी चाहिए और आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी चाल से बहुत लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है, आप क्या करते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी चाहिए। नाइन टिप्स है कि फेस मास्क, आपको सप्ताह में वीक में एक फेस मास्क का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जो घर पे ही बनाओ, एट होम बहुत सारे फेस मास्क रेमेडी घर पे होते हैं, तो उसमें मैं एक बता दूं कि मुल्तानी मिट्टी और उसमें आप रोज़ वाटर मिला लो और टर्मरिक पाउडर मिला लो, उसके बाद उससे फेस मास्क बना लो, उसमें शहद भी मिला सकते हो, और उस फेस मास्क को आप उसे मिक्स मिला के चेहरे पे लगाओ और 10 मिनट बाद धो लो, उसके बाद अगर जो भी क्रीम आप लगाते हो अपने स्किन के अनुसार, तेलीय त्वचा है या सूखी त्वचा है, तो उस टाइप की आप एक क्रीम सेलेक्ट करो और उसके बाद उसे यूज करो। तो इस तरह से करने से क्या होता है ना, आपके फेस में मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर जो होता है उसमें और टर्मरिक पाउडर जो हल्दी पाउडर होता है उससे आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है। कच्चा दूध भी अप्लाई कर सकते हो आप फेस मास्क यूज करने के बाद, कच्चे दूध से भी आप साफ़ कर सकते हो, कच्चा दूध जो रॉ मिल्क होता है ना वो फेस को क्लीन करने के लिए साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आप सप्ताह में एक बार ज़रूर यूज करो अगर क्यूट दिखना है, चेहरे को क्लीन करना है, क्योंकि चेहरा बोलना चाहिए, खूबसूरत होना ही चाहिए। टिप्स है कि आप क्यूट बैग कैरी कर सकते हो, मतलब ऐसे बैग मार्केट से खरीदो जो आप
लो तो ऐसा लगे कि वाह क्या क्यूट लड़की है, मतलब बैग के साथ आपका भी मैच हो जाए, तो इस तरह से आपको लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड पोस्चर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में गुड पोस्चर मतलब कि आपको कैसे बैठना है, झुक के बैठना है कि सीधे बैठना है, तो आपको नहीं ज़्यादा झुक के और नहीं सीधे, मतलब अच्छे से कंफर्टेबल आराम से बैठना है। तो इस चीज़ का आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर, खासकर पोस्चर पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में इस बात का आप खास ध्यान रखें, अगर कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो वहाँ पे आपका, आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है। तो इसलिए आप गुड पोस्चर आपका होना बहुत ज़रूरी है बैलेंस में। नेक्स्ट पॉइंट है, टिप्स है आइस फेसियल। तो आपको आइस फेसियल ज़रूर करना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि फेस क्लीन होता है, और ये बहुत ईजिली आइस अगर आपके घर में फ्रीज है तो ईजिली मिल जाता है और आप कर सकते हो। टिप्स है या पॉइंट्स है कि लाइट मेकअप करें, सिंपल मेकअप करें। अगर आपके चेहरे पे सिंपल मेकअप में ही आप अच्छे दिखते हो, या सिंपल रहने में भी आप अच्छे लगते हो, स्टाइलिश दिखते हो, क्यूट दिखते हो, तो आपको उतना ही मेकअप करना चाहिए, ओवर मेकअप से बचना चाहिए। और आप आईलाइनर लगा सकते हो, और लिप पिंक भी आपकी होनी चाहिए, मतलब अच्छी लिप्स होने चाहिए, और इस तरह से आप लाइट मेकअप करो, देखो कि आप में मेकअप अच्छा लगता है कि नहीं। लिपस्टिक अगर अच्छी लगती है तो लगाओ, और नहीं तो ऐसे ही ठीक हो, तो इस चीज़ को आप मतलब ट्राई कर करके देख सकते हो। नेक्स्ट टिप्स है लाइट एंड सॉफ्ट कलर, मतलब कि आपको कपड़े भी इस तरह से पहनने चाहिए जिस, जो बहुत लाइट हो, लाइट कलर का हो और सॉफ्ट कलर हो। मतलब सॉफ्ट कलर में आपका आ जाता है कि लड़कियों को तो पिंक कलर बहुत पसंद है, तो आप पिंक ले सकते हो और रेड कलर भी ले सकते हो, तो इस तरह से आप देख लो, और उस तरह के ड्रेस आपको पहनने चाहिए, और उस तरह के आपको शूज भी पहनने चाहिए साथ में। तो आप देख सकते हो कि आप कैसे, मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं ना, वो हमारी एक तरह से पहचान बन जाती है। तो क्यूट लड़की बनना है, क्यूट दिखना है, तो क्यूट टाइप के जो ड्रेस होते हैं उसे आप परचेज कर सकते हो, जो ट्रेंड में उसे भी परचेज कर सकते हो, और उस तरह से अपने आप को एक क्यूट गर्ल्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आप ऑफिस में जाते हो तो फॉर्मल कपड़े ही पहनना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप ऐसे घर में रहते हो या मार्केट जाते हो, तो आपका उम्र है, एज है, इस हिसाब से आपको क्यूट ड्रेस ही पहनना चाहिए, क्योंकि यही है उम्र। तो आपको इस एज में वो इंजॉयमेंट, वो चीज़ें कर लेनी चाहिए, ताकि आप जब आपका एज हो जाए, दादी नानी बनो, तो ये आपको अफसोस ना रह जाए, आपकी नातिन या पोती पहनेगी कि मैंने ये चीज़ें नहीं करी, उस समय बहुत अफसोस होता है, अफसोस के सिवा कुछ बचता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा मोटिवेट तो करती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको सुंदर दिखाने के लिए, क्यूट बनने के लिए भी वीडियो बनाते रहती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। रखना अपना ध्यान।